नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता आलोक कुमार की खबर साहिबगंज से। शहर के पुलिस लाइन में स्थित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ग्राउंड में एसीपी अनुरंजन किसोपोटा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि बीते बुधवार को राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में चोरी के मोबाइल खरीद बिक्री का कार्य हो रहा है, जिसके सत्यापन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजमहल के नेतृत्व में एक छापामारी दल गठित करते हुए तत्वरित कार्यवाही की गई। बता दें कि जिसमें पुलिस को सफलता हासिल हुई और वो पुलिस ने 16 मोबाइल व 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। साथ ही साथ इस चोरी के मोबाइल फोन का कारोबार करने के जुर्म में 5 आरोपियों को भी रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस या पूछताछ में ये पता चला है कि तालझारी थाना क्षेत्र के ग्राम अम्बाजीहा निवासी सुमन चौधरी पिता श्रीलाल चौधरी, महाराजपुर डाक मंगला निवासी गुलशाद खान पिता स्वर्गीय आयुब खान मोबाइल चोरों का गिरोह चलाते हुए महाराजपुर व आसपास के बच्चों एवं 9 युवकों को पैसे का प्रलोभन देकर देश के विभिन्न राज्यों में भेजकर मोबाइल चोरी करवाया जाता है। वहीं दूसरी राज्यों एवं जिलों में मोबाइल फोन की चोरी करने के बाद इन सभी मोबाइल फोन को सस्ते दामों में उन सभी से खरीद कर उसे पश्चिम बंगाल के कालियाचक में औने पौने दामों में बेच दिया जाता है। जिस दिन इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उस दिन ये सब लोग विभिन्न जगहों से लाए गए मोबाइलों के खरीद बिक्री का कार्य राजन चौधरी के घर पर किया जा रहा था, जिसे पुलिस ने नाकाम करते हुए सरगना के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि वहीं मौके पर से राजमहल थाना क्षेत्र के गदाई दियरा निवासी 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उदय चौधरी पिता पुकार चौधरी, काशी महतो पिता रामलाल महतो व मुन्ना कुमार पिता रामलाल महतो शामिल हैं। इस आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुरंजन के सपोर्टर राजमहल एसडीपी और अरविंद कुमार सिंह, तालझारी थाना प्रभारी कैलाश कुमार समेत काफी संख्या में पुलिस बल जवान मौजूद थे। एसडीपी और राजमहल को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था। हम लोग ड्राइव से लौट रहे थे, बड़वा से, तो फिर इनको द्वारा मेरे द्वारा इन्हें बताया गया था कि आप मोबाइल चोर जो गिरोह है संगठित उस पर कार्रवाई करें, और इन्होंने उस पर बहुत त्वरित संज्ञान लिया, टीम गठित किया, और कल दिनांक 14 को सूचना मिली कि एक ग्रुप जो इस कार्य में बहुत लंबे समय से लिप्त है, सुमन चौधरी जो इस गैंग का सरगना आदमी भेजकर मोबाइल चोरी करवा कर कटिहार पूर्णिया की ओर से लौटा, और इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, एक टीम तैयार की और सूचना के आधार टीम ने इनको डिटेन किया, और उसमें इनके पास 5 लोग पकड़े गए, जिसमें सुमन चौधरी, दूसरा मोहम्मद गुलशाद, तीसरा उदय कुमार, चौथा काशी माथा और मुन्ना कुमार। इनके साथ 3 बच्चे भी थे जो नाबालिग हैं, जो इनका मोडस ऑपरेंडी है। उनके माध्यम से इन लोगों ने कुल 16 मोबाइल चोरी करके लौट रहे थे। 3 मोटर बाइक बरामद की गई है, और ये लोग प्रोफेशनल मोबाइल चोर हैं, और ये दूसरे शहरों में जाकर अक्सर हाँ मोबाइल की चोरी करते हैं, और इसे फिर कलियाचक बंगाल ले जाके बेचते हैं। और इस तरह राजमहल टीम साहिबगंज पुलिस ने एक अच्छा काम किया, और हम लोग इस पर लगातार कार्रवाई करते हैं।